2011 में जाति आधारित जनगणना नहीं किया और 2021 फिर जैसे मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने गुलाम प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया, नामधारी प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किया, ठीक उसी प्रकार 2021 में बीजेपी यानी मोहन भागवत आरएसएस का जो सर संचालक है उनके द्वारा नामधारी प्रधानमंत्री तथा कथित ओबीसी प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर यानी नरेंद्र मोदी तक हमारी गिनती यानी 90-92 साल से रोक कर रखा है। यानी यह बात समझ में आ रहा है कि भारत में ब्राह्मण प्रधानमंत्री होने की वजह से हमारी गिनती भारत में नहीं होने दिया। और क्यों नहीं होने दिया, दूसरा विषय इसी में लगा है, उसी से जुड़ा हुआ कि शासक जाति के लोग यानी कांग्रेस और बीजेपी के लोग यानी ब्राह्मण जो है आज भारत का शासक जाति है, इस शासक जाति के द्वारा हमारी गिनती को क्यों रोका, ये सबसे बड़ा खोजने का विषय है। क्योंकि एक तथ्यपूर्ण खोज करने का विषय है कि भारत में तमाम पशु पक्षी की गिनती हो रहा है, पेड़ पौधे आहार पोखर नाले तालाब की गिनती हो रहा है, लेकिन हमारी गिनती क्यों नहीं किया जा रहा है, यह खोजने का विषय है। और वाम सेफ ने जब इस विषय का छानबीन किया, खोजबीन किया, तो पता चला कि अगर गिनती भारत में जाति आधारित सभी जातियों की गिनती हो जाता है तो जो 3.5% जो विदेशी नस्ल के जो यूरेशियन ब्राह्मण है उसका सारा प्रशासनिक और जो शासन करने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए गिनती का मामला केवल नहीं है बल्कि प्रशासन और शासन जाने का मामला है। ब्राह्मणों को ऐसा डर लग रहा, जैसे हम लोगों ने देखा वामसेफ के लगातार एक दशक से ज्यादा यानी 2010 से लेकर 2023 तक वर्तमान समय तक जो हर कार्यक्रम में चाहे वो अनुमंडल लेवल का कार्यक्रम हो या जिला लेवल का या प्रमंडल या राज्य या राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो, उस हर कार्यक्रम के पत्रक में ओबीसी के साथ साथ सभी जातियों की गिनती भारत में होनी चाहिए, ये सब्जेक्ट वामसेफ अपने पत्रक में हमेशा लगातार 11-12 साल से यह विषय लगा रहा है और देश में चर्चा कर रहा है। ये चर्चा का परिणाम निकल भारत में देखने को मिला कि सारे भारत के जो बहुजन समाज के तथा कथित जो लीडरान है, नेता है, जो अपने को बहुजन समाज के नेता कहते हैं लेकिन वास्तव में हमारे वास्तविक नेता नहीं है बल्कि कहने के नेता है, तथा कथित नेता है, उन्होंने भी इस ओबीसी की गिनती करने का केवल आश्वासन दिया जा रहा है। अभी शासक जाति के द्वारा जो एक बीजेपी को हराने के लिए जो अलायंस इंडिया नाम का बनाया गया है उसके द्वारा भी यह विषय यानी मुद्दा एक धोखा देने वाला कि हमारा सरकार आएगा अगर बीजेपी को प्राप्त करते हैं तो हम सभी जातियों की गिनती करेंगे। क्या भरोसा है कि जो 92 साल से जिनके बाप दादाओं ने यानी कांग्रेस बीजेपी के जो पहले के जो पुरखे थे, जो पहले के कांग्रेस चलाने वाले बीजेपी चलाने वाले ब्राह्मण थे, उसी के औलाद आज हमारी गिनती करने का केवल आश्वासन दे रहा है। और हम केवल आश्वासन पर अगर हम उनकी बात मान लेते हैं और मानकर उनको अपना मताधिकार का उपयोग प्रयोग उनके समर्थन में कर देते हैं तो फिर हम भविष्य में ठहरे जाएंगे, छरे जाएंगे। इसलिए साथियों यह गिनती का मामला नहीं है बल्कि इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज को शासक बनाने का मामला है। जिस दिन भारत में हमारी गिनती हो जाएगा और बहुजन समाज गिनती के आधार पर अपने हिस्सेदारी को समझ जाएगा कि हमारी हिस्सेदारी गिनती के अनुपात में जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिला है, ब्राह्मणों के द्वारा नहीं दिया गया है, उसी दिन देश में क्रांति शुरू हो जाएगा।
ये क्रांति के डर से, आंदोलन के डर से इस हिंदी को रोका गया है 92 साल से। तीसरा जो विषय लगाया गया है उसी के संबंध में कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से आदिवासियों का जो कस्टमरी लॉ है, जो सिल्वर ट्राइब का जो उसकी परंपरागत सभ्यता संस्कृति जो अतीत से चली आ रही है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता जिसको ब्राह्मण केवल कानून में, केवल कागज में यह बताना चाहता है कि भारत में सारे लोग इंसान हो गए, भारत में सारे लोग मनुष्य हो गए, भारत में सारे लोग इंसान के पुत्र हो गए, अब कोई ऊंच नीच नहीं है भारत में, कोई गैर बराबरी नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार देश में नहीं हो रहा है, ऐसा यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर ब्राह्मण साबित करना चाहता है, यानी गैर बराबरी को बनाए रखना चाहता है, और कागज में यह दिखाना चाहता है कि भारत से गैर बराबरी समाप्त हो गया, यानी गैर केवल दिखाने के लिए, जैसे हमारे देश के स्कूलों में जो यूनिफॉर्म, जो बच्चों को ड्रेस पहनाया जाता है, अलग अलग जो ड्रेस का कलर होता है वो केवल ड्रेस बच्चों को समान दिखने के लिए किया जाता है, यानी सभी बच्चों को समान बनाने के लिए यूनिफॉर्म नहीं होता है, बल्कि क्लास में सारे बच्चे समान दिखे। तो क्या भारत में सारे मनुष्य समान नहीं दिख रहा है अभी? क्या सारे मनुष्य का दो आंख, दो पैर, दो हाथ, नाक, मुंह नहीं है? सबका शारीरिक बनावट एक है, रंग रूप बोली भाषा भी एक है, तो इस आधार पर समान हम तो दिख रहे हैं, लेकिन समान बनाने का ब्राह्मणों के द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा है, जबकि भारत का संविधान कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को कानून के सामने, संविधान के सामने सब समान है, केवल समान बनाने के लिए उनके हक, अधिकार, हिस्सा देकर ही उसको समान बनाया जा सकता है, समानता स्थापित किया जा सकता है। साथियों, समान जो नागरिक कानून है ओएससी एससी ओबीसी जैसे ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम के द्वारा यह लोगों को बताया जा रहा है, यह केवल मुसलमान के विरोध में, और बहुत से सारे हमारे नेता इस बीजेपी के द्वारा जो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के ऊपर चर्चा करने का जो मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा किया गया, उस कानून के समर्थन में हमारे बहुत से तथा कथित बहुजन समाज के नेताओं ने अपना स्टेटमेंट दिया कि हम इसका समर्थन करते हैं। हम कहना चाहते हैं यहाँ बैठे हुए तमाम बुद्धिजीवी वर्गों से, क्योंकि वाम से बुद्धिजीवी वर्गों का संगठन है और यहाँ तमाम तार्किक सोच रखने वाले बुद्धिजीवी लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो अगर वो सोचे, विचार करे कि अभी भारत में जो भी हमारा संवैधानिक पहचान है, अतीत में जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एससी एसटी ओबीसी जो पहचान दिया, उस पहचान क्यों दिया? समाज में असमानता की वजह से हमको फैसिलिटी मिला, आरक्षण जो रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन कहिए, वो रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन समाज में गैर बराबरी असमानता की वजह से हमको विशेष अधिकार संविधान में बहाल कराया गया। एससी एसटी ओबीसी के संविधान के पहचान के आधार पर, यानी जब तक भारत में समाज में असमानता रहेगा तब तक उनके पहचान के नाम पर सारा फैसिलिटी मिलता रहेगा। जिस दिन भारत में ब्राह्मण यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर हिंदू धर्म के नाम पर सभी एससी एसटी ओबीसी के ऊपर जब ब्राह्मण धर्म थोपेगा और सबको केवल ब्राह्मण धर्म थोपकर हिंदू बना देगा, और हम अपना आरक्षण, नौकरी या कोई भी फैसिलिटी जो दिया जा रहा है वो मांगने के लिए जाएंगे, तो कहेगा वही ब्राह्मण कि भारत में अब समाज असमान नहीं है, अब गैर बराबरी नहीं है, क्योंकि एसी एसटी ओबीसी जब तक समाज में असमानता था, गैर बराबरी था, तब तक आपको अधिकार, फैसिलिटी या आरक्षण मिलता था, और सारे लोग समान हो गए, सब लोग इंसान हो गया,
इसलिए अब अधिकार आपको आरक्षण मिलने वाला नहीं, क्योंकि सब लोग समान हो गया। आरक्षण क्यों है? असमान है, यानी ब्राह्मणों के नजर में हम लोग असमान है। सदियों से असमानता के सिद्धांत को ब्राह्मण मान रहा है, आज भी मान रहा है अपने को ब्राह्मण। इस कानून को हवा में उड़ाने के लिए हमारे वामसिर्फ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस समय आपने देखा होगा कि 2020 में भारत के मूल निवासियों को विदेशी साबित करने वाला कानून और विदेशियों को मूल निवासी साबित करने वाला कानून, जब ब्राह्मण एनआरसी एनपीआर सीए जब लाया था, यानी मूल निवासियों को विदेशी और विदेशियों को मूल निवासी साबित करने वाला वो कानून था, तो ब्राह्मणों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब फंसाने का काम किया, उसी के कानून में उसी को फंसाने का काम किया कि तुम्हारे एनआरसी का हम भारत में वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन कागज के आधार पर एनआरसी नहीं होना चाहिए, बल्कि डीएनए के आधार पर एनआरसी लागू होना चाहिए। जब हम लोगों ने डीएनए के आधार पर एनआरसी पर्चा छाप कर पूरे देश में चर्चा किया, तो ब्राह्मण समझ गया कि जिस दिन डीएनए के आधार पर एनआरसी करेंगे हम ही विदेशी साबित हो जाएंगे, इसलिए उस कानून पर चर्चा करना ब्राह्मण बंद कर दिया। फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वहीं चर्चा करना शुरू किया मीडिया के माध्यम से, तो मेश्राम साहब ने सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ब्राह्मण लाना चाहता है तो क्या ब्राह्मण अपने गले का जनेऊ हटाएगा? सबसे पहले ब्राह्मण अपने गले का जनेऊ निकाल दे, जो चुड़की, जो पिग टेल यानी सुअर के पूंछ की तरह जो चुड़की सर पर रखा है पहले उसे कटवा ले, या टीका जो लगाता है उसको हटा दे, क्योंकि तुम ही कह रहे, तुम्हारा कानून कह रहा है कि भारत में सारे लोग समान हो गया, और तुम शर्ट के नीचे से जनेऊ दिखाते हो कि हम श्रेष्ठ हैं इस जनेऊ संस्कार के आधार पर। तो जिस दिन तुम्हारा जनेऊ रहेगा तुम्हारा यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में नहीं चलेगा। यानी उस कानून का समर्थन करने वाले पार्लियामेंट में बैठे हुए जो ब्राह्मण एमपी हैं, वो सारे ब्राह्मण एमपी को समर्थन करने से पहले सोचना चाहिए कि हम जो गले में जनेऊ लगाए हैं वो जनेऊ पहले हटाना होगा, तब जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और ब्राह्मण जिस दिन जनेऊ हटा देगा वो मर जाएगा, क्योंकि जनेऊ केवल पर जिंदा है। जनेऊ कभी कभी गंजी के ऊपर, सट के ऊपर भी पहनता हम देखे, ताकि लोग देखे जनेऊ तू माने कि नहीं, ये पंडित है, श्रेष्ठ है, पूजनीय है। इसलिए साथियों, ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या को लेकर भारत बंद 9 सितंबर को भी हो रहा है, और जब ही 9 सितंबर खत्म होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा दोबारा ओबीसी की गिनती के साथ साथ सभी जातियों की गिनती कराने के लिए जबरदस्त भारत बंद दिसंबर में होगा, उसके पहले 7 अगस्त को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में आदिवासी, जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले भारत में पहली बार आदिवासियों के समस्या पर ही नहीं बल्कि एसी एसटी ओबीसी के पहचान समाप्त करने की समस्या को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एच एन बेकवाल साहब के द्वारा भारत बंद किया गया, और जबरदस्त भारत बंद हुआ, और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद भारत में पहचान बना लिया कि भारत में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एक वाम सेठ का आफसुक विंग है, जो वाम सेठ के नियंत्रण निर्देशन एवं अनुशासन में काम करता है, ये साबित कर दिया, और ब्राह्मण फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा बंद कर दी। इसलिए आप इस आंदोलन को, ये कार्यक्रम नहीं है, ये सभा नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या को समाप्त करने के लिए एक तरह से जंगे मैदान है, हम लोग इस जंगे मैदान में उपस्थित हैं, ये लड़ाई है, ये सभा नहीं है। इसको सभा तब तक मानिएगा तब तक आपका विचार परिवर्तन नहीं होगा। इसको लड़ाई मानकर, जंगे जंग मानकर, संघर्ष मानकर जब तक आप नहीं मानिएगा
तब तक आपके अंदर वैचारिक परिवर्तन क्रांति के रूप में नहीं होगा, क्योंकि हम क्रांति करना चाहते हैं, हम आजाद होना चाहते हैं ब्राह्मणों से, और क्रांति अब हम लोग देश में शुरू कर दिए हैं, आंदोलन शुरू कर दिए हैं। अब हम लोग संगठन नहीं चला रहे हैं बल्कि आंदोलन चला रहे हैं, और आंदोलन हर रोज हमारा बढ़ रहा है। और 9 सितंबर को फिर एक बार बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले मूल निवासियों की जो मूल संस्कृति एवं सभ्यता के साथ साथ जितने बौद्ध विरासत पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, उस अतिक्रमण और कब्जा को हटाने के लिए यह 9 तारीख को जंगे मैदान में हमको उतना है। आप ऐसा करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भूत, जय श्री।